हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेती। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेएनवीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो ये पार्ट फाइव है। इस पार्ट फाइव के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 81। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका जो एग्जाम पैटर्न था, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो थोड़ा डिफरेंट था और 2020 के अंदर अगेन चेंज हो गया। और एक बात ये भी थी, उन्होंने एग्जाम देने से पहले हमें इन्फॉर्म नहीं किया था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 2019 के अंदर एग्जाम पैटर्न पूरा अलग था। उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी थी, सिलेबस वाली वीडियो, उसके अंदर एग्जाम पैटर्न बताया था। बट जो 2020 का जो एग्जाम पैटर्न हुआ तो वो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आ गए थे, है ना। और 100 के 100 करने कंपलसरी थे, मींस आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि इतने में से इतने करना है वगैरह। तो कंपलसरी का मतलब ये होता है, तो 100 क्वेश्चंस थे और 100 क्वेश्चंस में कोई ऑप्शनल नहीं था, 100 आपको करने थे। और दोनों में एक खास बात थी कि दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो मे बी 2021 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो आपको क्या करना है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने, अगर वहां पे लिखा होगा, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वहां पे साफ साफ लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग है। अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहां पे नहीं लिखा होगा, लिख भी सकते कि नो नेगेटिव मार्किंग या फिर नहीं भी मेंशन करें, तो वो आप चेक कर लेना एग्जाम देने से पहले। ओके, ये तो मैं श्योर हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने, आपको पता ही, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो वहां पे 1000+ स्टूडेंट टेलीग्राम पे जो एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग उनकी नहीं थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। इन पीसीआर एक्सपेरिमेंट 1 NG ऑफ 100 बेस पेयर पीसीआर टेम्पलेट वॉज एम्पलीफाइड यूजिंग स्पेसिफिक प्राइमर। तो यहाँ पे 1 NG ऑफ 100 बेस पेयर का एक पीसीआर टेम्पलेट थी, वह एम्पलीफाई किया गया था। आपको मान लो कि एज्यूम करो कि जो पीसीआर है, अगर 100 बेस पेयर का है एक साइकिल के अंदर, वो अगर 100 बेस पेयर है तो 10 साइकिल के अंदर कितना पीसीआर एम्पलीफाई होगा, कितनी कॉपीज बनाएगी। हमें पता है कि पीसीआर में डीएनए की कॉपीज होती है, तो अगर वन अगर एक साइकिल का है तो अगर वो अगर एक बार कॉपी करे तो वो आपका टू कॉपीज बनाएगी, फिर टू का 4 कॉपीज होगी, 2 साइकिल में 3 साइकिल में आपकी हो जाएगी, सॉरी 4 यहाँ पे होगा, फिर अगेन 3 साइकिल में हो जाएगा 6, ऐसे करके आप कैलकुलेट करते जाओ ना, सॉरी 4 टू 8, फिर 8 × 2 दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो ऐसे आप करते जाए ना, यहाँ मैंने लिख लिया है पहले से, तो 1 2 से लेके आपके 100 साइकिल्स, तो 100 साइकिल में अगर करेंगे तो आपका टोटल आएगा 1024। तो यहाँ पे देखो 1024 NG आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनजी में, तो एनजी आएगा तो कहाँ पे है 1000 के अप्रोक्स, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। तो ऐसे आप चेक कर लेना 1 × 2 2, क्योंकि हर चीज डबल बार कॉपी हो रही है ना, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे क्या दे रखा, व्हाट इज द पीएच एंड द पीओएच ऑफ 0.001 MSCl। तो यहाँ पे आपको पीएच एंड पीओएच पूछा गया है दोनों, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज द पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है, ये आपकी पीएच, इसमें कैसे निकालते पीएच, देखो पीएच इज इक्वल टू 3/0 है, तो हमें फॉर्मूला पता है लॉग एच, है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज को रख दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर, ये 3 है तो 10 की पावर -3, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पीएच इज इक्वल टू 3 आएगा। ये वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो पीएच के अंदर, तो 3 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ओके, तो पीओएच कितना निकल जाएगा, 14 - 3, तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 - 3 कितना हो जाता है आपके 11। इट मीन्स पीएच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 एंड पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11। तो 3 एंड 11 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट आपको पूछा गया है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये रहा सॉल्यूशन, आप देख लेना। सो आपका जो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोस। ओके, सो आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 84, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3, गिवन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द एनी पॉइंट एक्स वाई। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है आपको, फिर आप क्वेश्चन जहाँ पे मैच हो रहा है वहां पे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, इन द हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न इज कॉल्ड द इराइथोब्लास्टोसिस फिटेलिस, विच डायग्नोसिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट NTRH एंटीबॉडी इन मदर सीरम। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो हमें पता है कि NTRH की जो मदर है, देखो मदर के अंदर हमें पता है कि मदर अगर नेगेटिव है, एक डिजीज होती है ना इराइथोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यहाँ पे मदर नेगेटिव होता है और जो फादर है पॉजिटिव, तो इसका जो बेबी हो जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी होती है, तो ये जो पॉजिटिव बेबी है ये इसका और इसका ब्लड मिक्स हो जाता है, तो ये जो मदर है ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो हमें क्या करना है, हमें टेस्ट के थ्रू चेक करना है कि जो फर्स्ट डिलीवरी हुई इसके अंदर मदर ने एंटीबॉडीज बनाई या नहीं बनाई उसके अगेंस्ट, है ना, ताकि जो सेकंड प्रेगनेंसी हो तो ध्यान रहे। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया NTRH एंटीबॉडीज इन मदर सीरम। तो सीरम के केसेस में जो जो टेस्ट होता है, दैट इज द कॉम टेस्ट। यहाँ पे कॉम टेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सीरम के केसेस में आपका जो टेस्ट होगा वो होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। ये आप डिटेल में अच्छे से आप खुद देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 86, कितना सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द जगाफ रूल इज फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, तो जब भी फॉल्स आए तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो। तो हमें पता है कि जगाफ रूल में हमें पता है कि जो ए की ए जितना ए होगा, है ना, जितना ए होगा, ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, तो जितना ए होगा उतना टी होगा, और जितना आपका जी होगा उतना के उतना सी होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस जी की जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी क्यों उतनी कंसंट्रेशन ए प्लस सी की होगी, और इन दोनों दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आएगा, वन आएगा। तो ये देख लो, ए प्लस जी एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन, ये आपका सही है। और द रेशियो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ये रहा प्यूरिन, ये आपका पायरिमिडिन, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/1 आएगा, कि जितना ये होगा उतना ये होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा, 1:1। तो ये भी आपका सही है, तो ये भी सही, ये भी सही। क्वेश्चन में आपको फॉल्स पूछा गया है, तो देखो ये तो इनके जब ऑपोजिट ही लिखे गए, सो ऑप्शन नंबर ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा गया ना, तो सी एंड डी आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको पूछा जाता है, तो साइटोस्केलेटन अच्छे से देखे ना, इसके अंदर माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एक्सेट्रा, है ना। तो माइक्रोट्यूबल्स का फंक्शन क्या है, सिंपल सा हमें पता है कि सेल मूवमेंट, सेल ऑर्गेनल मूवमेंट्स, है ना, क्रोमोसोम मूवमेंट एक्सेट्रा। तो ये ऑप्शन ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, सेपरेट द डिवाइडिंग सेल इंटू टू। तो सेल का जो डिवाइडिंग है यहाँ पे इंटू टू पार्ट में, तो यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूबल यूज नहीं आती, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट आता है ना, सो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में नॉट पूछा गया, तो नॉट आपका हो जाएगा सी, ओनली सी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, डेडली डिजीज रस्ट इन व्हीट इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, दैट इज द पुक्सिनिया ग्रैमिनियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएगा तो आप अटेंड करोगे, अदरवाइज नहीं। वैसे माइनस मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड करोगे तो बेस्ट ही है। पहले ही आपको कह देती हूँ 2020 की जो आपका जो इंस्ट्रक्शन आएगा एग्जाम के टाइम, तो वो आप अच्छे से देखना। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो साफ साफ लिखा होगा, है ना, अगर नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हो, लिख भी सकते, तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 89,
मैच करना आपको सिंपल सा बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ए का सेकंड तो ऐसे ही हो गया, सेप्रोफाइट फंजाई होता है हमें पता है ये, इसका ऐसे हो गया, यूट्रोफिकेशन रिच मींस इन लैक में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना, बहुत सारे एल्गी वगैरह की जो नंबर इंक्रीज हो जाना जिससे यूट्रोफिकेशन ही हो जाए, मीन्स नेचुरल एजिंग ऑफ लैक, है ना। तो ए का सी का फर्स्ट, तो ए का आपका हो जाएगा सेकेंड, बी का फिर पाइनियर स्पीसी सबसे नंबर फर्स्ट स्पीसी आती है तो वही आ गया आपका स्पीसी दैट इन्वेड द बैर एरियाज, यस तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। सो देख लो मैच कर लो, ए का सेकंड, ए का सेकंड तो सब में है तो ये तो आप देखेंगे नहीं, बी का थर्ड, बी का थर्ड ये रहा ना, सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है हमने, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एक टॉपिक पढ़ने से आप दो दो क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर पा रहे हो, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा ना पार्ट फोर के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, द व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ वेवलेंथ 80 मीटर एंड द प्लैंक कांस्टेंट इज द 6.6 इनटू 10 की पावर माइनस 34। फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज द ई इज इक्वल टू एच वी, वेवलेंथ दे रखा है तो हमें और आगे फॉर्मूला देखना होगा, तो वी की वैल्यू हमें पता है सी अपॉन लैम्डा, तो E की प्लैंक कांस्टेंट की H की वैल्यू दे रखी है, V की V को तो देखना ही नहीं कि V इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है ना, V इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो C एंड W हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट C की वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज द 3 × 10⁸, वेवलेंथ हमें 80 मीटर दे रखा है, कुछ नहीं है सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है, एच कितना है आपका 6.6 ये पुट कर दिया, सी कितना है गिवन हमें याद रखना होता है दैट इज 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸, लैम्डा कितना है हमारा 80 है, अरे 80 वैल्यूज को पुट किया, जब पुट किया हमें आंसर आया हमारा 0.2475 × 10⁻²⁶ जूल आया आंसर ना, तो जूल है बट क्वेश्चन में आंसर कितना दे रखा है इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर दे रखा है, तो हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁸ होता है, तो कुछ नहीं है सिंपल सा इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है दैट इज 1.54 × 10⁻¹⁸, तो वही है कि 1.54 इसका अप्रोक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 मान सकते हैं, वैसे 1.56 को हम 1.6 मानते हैं बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अमंग द फॉलोइंग सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द लॉन्गेस्ट लिविंग इन पीनियल ट्रीज, तो यहाँ पे आपका बॉटनी का क्वेश्चन है, दैट इज द रे पैरेन्काइमा ऑप्शन नंबर सी, आएगा तो अटेंड करोगे अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द करस्पॉन्डिंग डिजीज दे कॉल सेकंड लिस्ट, तो कुछ नहीं है सिंपल सा आपको जो भी बैक्टीरिया वायरस फंजाई एक्सेट्रा दे रखा है एंड उसके साथ ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है वो दे रखा है, ई कोलाई सबको पता है यूरिनरी ब्लेडर होते हैं, यूरिनरी ट्रैक पे इन्फेक्शन करते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिस हमें पता है दैट इज द सोर थ्रोट, इसका भी यही होगा, सी का भी आपका हो जाएगा ये एंड इसका ये हो जाएगा ना, मैच कर दो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, यही है कि आपको आएगा तो आप अटेंड करोगे अदरवाइज नहीं। इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको एक दो आ गए तो आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कैंसिल करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट द इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, इननेट मीन्स जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, लाइक जो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होता है तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स वो करती है वो आपका होता है इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, कुछ भी हो सकता है, बॉडी के अंदर स्टमक का पीएच इंक्रीज करके बैक्टीरिया को मार सकते हैं, स्किन होता है ना, स्लाइवा होता है, बहुत सारे नोज के अंदर हेयर्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो ये सारी डिफेंस शो करते हैं तो फर्स्ट टाइम, तो ध्यान रखना ये जो डिफेंस होता है हमें पता है कि ये स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर वायरस आता है उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी जनरेट होना, दैट इज द स्पेसिफिक, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई भी
हमारी स्किन ऐसे तो ना स्किन किसी पर्टिकुलर तो ना ऐसे वायरस शो करेगी, बैक्टीरिया है तो भी स्किन शो करेगी, वायरस है तो भी ये डिफेंस शो करेगी, फंजाई है तो भी ये डिफेंस शो करेगी, मतलब जो इननेट है वो नॉन स्पेसिफिक इन मैनर होता है, तो नॉन स्पेसिफिक सही है ओके और सबके लिए सेम रिस्पॉन्स शो करेगी, सेम रिस्पॉन्स शो करेगी एवरी टाइम, और ये आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। सो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी एंड ई आपका हो जाता है ये करेक्ट, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओके क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा गया ना, तो ए बाकी हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन एंटीजन, एंटीजन तो यहाँ पे आपका एक्वायर्ड में आता है, वो नॉन स्पेसिफिक मैनर में, स्पेसिफिक मैनर में होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। वेरिएबल रिस्पॉन्स नहीं होगा, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए बी एंड ए सी एंड ई ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, अगेन आपका ये आपके बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, तो वही है ग्लाइकोजिनेसिस, क्रैब्स साइकिल, ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन क्या है, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है वगैरह। 94, विच फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ एनएडीएच एंड एनएडीपीएच। हमें पता है जो एनएडीएच का, अगर यहाँ पे क्रैब्स टीसीए एंड पेंटोज के कंसेप्ट की अगर हम बात करें, तो एनएडीएच आपके प्रोड्यूस होता है इन द टीसीए साइकिल, और जो एनएडीपीएच होता है इन द पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के अंदर। ऐसा ऑप्शन देख लो, तो एनएडीपीएच इज प्रोड्यूस इन, उल्टा दे रखा है, ये नहीं होगा, एनएडीपीएच प्रोड्यूस इन टीसीए से ही है, बहुत आर प्रोड्यूस इन टीसीए ऐसा नहीं है, बहुत आर प्रोड्यूस इन टीसीए ऐसा भी नहीं है, दोनों के अंदर दोनों प्रोड्यूस होते हैं ऐसा भी नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आर ट्रू। आपको एटीसी के बारे में पूछा गया है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑपरेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एकदम राइट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है, यहाँ पे नाइट्रेट ये चीज गलत है ना, एनएरबी कंडीशन में नाइट्रेट यूज करता है ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर टू पूछा गया ना क्वेश्चन में, तो आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, तो ए बी डी दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सी आपका नहीं होगा, तो सी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो वो ये, अगर आपको ईटीसी पता है, ईटीसी रट लेना अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कुछ नहीं है, जेएनयू के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है वो स्पेसिफिक मैनर में पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से कर लो, एंड जेएनयू के लिए आपके लिए पाथफाइंडर प्रीफर करना बेस्ट है, क्योंकि जेएनयू का लेवल थोड़ा अच्छा खासा है, बाकी बीएचयू एंड डीयू का थोड़ा मॉडरेट होता है, बट जेएनयू के लिए आप पाथफाइंडर यूज करो, वो सबसे बेस्ट है, पाथफाइंडर लाइफ साइंस है ना, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, और उसका जो पाथफाइंडर एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सॉल्व करो, वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्विजेस होते रहते हैं, तो अगर आप वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सबसे बेस्ट रहता है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू बीटा डाइवर्सिटी, तो नॉट रिलेटेड पूछा गया, तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जो बीटा डाइवर्सिटी है वो क्या होता है। बीटा डाइवर्सिटी सिंपल सा मान लो कि एक कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटी ये है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज देखना, मान लो कि यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई इतनी सारी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, यहाँ पे भी आपकी ई एफ जी एच आई ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज दोनों के अंदर काउंट करना है, तो ए बी सी डी यहाँ पे कितना हो गया 4, ए बी ई एफ जी एच यहाँ पे 4, तो 4+4 दैट इज 8, टोटल में टोटल डिफरेंट स्पीसीज आपका 8। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ई काउंट क्यों नहीं किया, तो देखो ई काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेम स्पीसीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जब अगर सेम स्पीसीज ज्यादा हुई, अगर सेम स्पीसीज ज्यादा हुई तो बीटा डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, और डिफरेंट स्पीसीज ज्यादा हुई तो बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो इतने डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए आपका बीटा डाइवर्सिटी 8 आ गया, बट सेम स्पीसीज की वजह से यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी कम हो गई, एक स्पीसीज कम हो गई। अगर मान लो यहाँ पे डी डी और दे रखा होता तो ये डी भी कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे 3 हो जाता, फिर ऐसे करके आपका यहाँ पे 7 हो जाता, तो वो चीज ध्यान रखना।
ये टॉपिक आप समझ लेना अच्छे से। तो ओवरऑल क्या है कि बीटा डाइवर्सिटी हाई जब भी होगी, जब नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होगी, एकदम राइट है। बीटा डाइवर्सिटी लो होगी अगर सेम नंबर ऑफ स्पीसीज है, तो ये भी राइट है। बाकी क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज यूज टू मेज, विद इन द स्पीसीज यूज नहीं करते, डिफरेंट स्पीसीज के लिए यूज करते हैं। मेजर द नंबर ऑफ स्पीसीज इन लार्ज एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज इन लार्ज एरिया के अंदर होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन में करेक्ट नॉट रिलेटेड पूछा गया ना, सी एंड डी आपका नॉट रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्लांट फैमिली कंट्रीब्यूट टू हाई कैलोरिक कैलोरिफिक वैल्यू टू ह्यूमन डाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन वही है कि आपको आएगा तो करोगे नहीं, अदरवाइज नहीं। दैट इज द प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है ह्यूमन डाइट। क्वेश्चन नंबर 98 सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से ए कोलाई के अंदर जो हमें पता है कि एफ प्लस जो मेल हम कंसीडर करते हैं ना, जो कि डोनेट करता है अपना जीन, एफ माइनस फीमेल कंसीडर करते हैं जो कि एक्सेप्ट करता है, ये डोनर होता है और ये आपकी क्या होती है, एक्सेप्टर होती है। तो डोनर को हम अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एफ प्लस भी कर सकते हैं, या फिर एच एफ आर भी कर सकते हैं, या फिर एफ कॉमा भी कर सकते हैं ना। तो ये तीन रूप में हम इसको थ्री फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर ये आपका हो जाएगा, सॉरी इसको छोड़ दो, ये और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सी आपका नहीं होगा, बाकी आपका ए बी और डी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको नॉट नहीं पूछा गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया, तो आपका हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी का है ए में, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। सॉरी ए बी डी है ना, ए बी और डी, सो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ए बी डी, ए बी और डी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको चूज करना है। तो आर एफ एल पी इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो सही है, और ये आपका को डोमिनेंट मार्कर होता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा मार्कर यूज किया जाता है, आर एफ एल पी और कैसा मार्कर, ये आपका को डोमिनेंट मार्कर है। तो ये भी आप अच्छे से लिख लेना कहीं पे, याद करने की चीज है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए बहुत स्टेटमेंट है करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन बेस लिंक टू, कुछ नहीं है, सिंपल सा जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके पेंटो सुगर से नंबर वन कार्बन से लिंक होता है, और जो फॉस्फेट है उसके फाइव कार्बन पे लिंक होता है। कैसे, देखो ये आपका है पेंटो सुगर, इसका जो नंबर वन कार्बन है उसके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, और इसके जो नंबर फाइव कार्बन है उसके ऊपर पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होता है, वही तो चीज दे रखा है। न्यूक्लियोटाइड में लिंक टू वन कार्बन और पेंटोस के साथ लिंक है, और पेंटोस हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप ऑन फाइव कार्बन के ऊपर, इसके पेंटोस के ऊपर फाइव कार्बन याला फॉस्फेट ऐड है ना। सो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, वही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अच्छे से रीड करना, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, टोटल 100 क्वेश्चंस तक। आई होप आपको पेपर सॉल्यूशन पसंद आया, पेपर सॉल्यूशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से डाउनलोड कर ले, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, @kavisakevi। और मेरे इस चैनल पे आपको 2017 से लेके 20 तक पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वो आप जरूर से देख लेना, एंड सिलेबस की वीडियो भी आप देख लेना। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।